ऐसा लगता है मैं पिज्जा खा रही हूँ। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7:30 बज गए, गले से तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, इतना गला खराब हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा जुकाम ये सब लग के। दिल्ली से बीमार आई थी तो ना, मेरे मामा के यहाँ पे एक फंक्शन था, मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं हर जगह का नहीं बना सकती। तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली, और अभी खाना वाना खा के 7 बज गए, थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर हम निकलेंगे। तो मैं जयपुर से या फिर दौसा से ट्रेन में बैठूंगी, तो बने रहना ब्लॉक में। और सुबह का टाइम है, दिखा ला। तो ये रोटी बन गई हमारी। तो ये लड़की है ना, चाकू से चम्मच नहीं मिला इसको, चाकू से घी लगा लगा के खा रही है रोटी में। ईशा देखो, तो पूरा मजा ले रही है तू, तो यहाँ कहाँ घी का है। इधर बोल के बोलना, इधर मुंह करके। तो गाइस, मुझे आपकी बताए, मुझे ना रोटी में घी लगा के ना बहुत ही अच्छा लगता है, और ना मजा भी बहुत आता है, और खाने में ना ऐसा टेस्टी लगता है ना, ऐसा लगता है मैं पिज्जा खा रही हूँ। पिज्जा खा तू। ये मेरे दादाजी है, छोड़ कर ये 23 जनवरी 2017 को चले गए थे, मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे। तू काय कर ले, चल चल फटाफट डाल दे, तो छाछ भी डाल दीजिए एक गिलास, अचार भी डाल दीजिए। तो गाइस, हम जा रहे दिल्ली, तो एंड ब्लॉग तो देखना, तो पकड़ा से मम्मू छोड़ने जा रहा है, और ये देखो हमारी ये फोन भी रही, इसके जा रहे हैं। खोलो चाल दी, तू कहाँ गले हो। तो गाइज, हम चल दिए दिल्ली, और देखो ये ड्राइवर छोड़ने जा रहा है हमें। ये प्रकाश की फॉर्चुनर है, प्रकाश इसको चलाता है। ऐशु क्या, नहीं बेटा प्रकाश मामू की भी है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि हम ना आपको बता देते हैं, मेरे मामा के फंक्शन था उसमें आए थे, तो वहाँ का तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया, कि बस वैसे ही मैंने नहीं बनाया, कल बारिश वारिश खूब आ रही थी तो नहीं बना पाए हम। और मैं हर जगह का वैसे बनाती भी नहीं हूँ, जहाँ मुझे सुटेबल लगता है वहीं का ब्लॉग मैं बनाती हूँ। प्रकाश मामू की गाड़ी में ना ऐसा लग रहा है मैं ना एरोप्लेन में ना, बहुत मजा आता है। ईशु देख, मक्के के पेड़ है बेटा, ये देख मूंगफली के अंदर। गाइस आज हमारी ईशु जा रही है फिर से दिल्ली, और फिर ईशु को ले जाके वहाँ पे बंद कर देंगे दिल्ली के अंदर, है ना। और मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ स्कूल जाना पड़ेगा, आज तो मजे हो गए। देखो ईशु के नाक पे बच्चन ने क्या कर दिया। देखो ना पर क्या कर दिया मेरे ने। देखो गाइस, देखो एक ही दिन में मेरी लड़की क्या हो गया। देखो नहीं, डुगू को नहीं काटे अब की बार। और देखो कितनी अच्छी हरियाली हो रही है इधर। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि मैं ना इसी स्कूल में आती थी जब मैं छोटी थी ना,
मतलब मैंने फिफ्थ क्लास इसी स्कूल से पास करी है, देखो ऑन एंड ऑफ तो चालू हो रही है ना स्कूल, जब भी खिड़की खुल रही है। ये स्कूल थी मेरी, ये करेली का बाट गांव, बाट का तिवारा। अब तो ये आठवीं तक होगी ना प्रकाश, निकला मैं अंडा बकरा जा। तो मैं अभी यहाँ से बैठूंगी और जयपुरी जाऊंगी, क्योंकि दोसा का रूट मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो मुझे दो बस चेंज करनी पड़ेगी दोसा के लिए, और जयपुर के लिए एक ही पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से बैठूंगी और जयपुर गांधीनगर स्टेशन उतरूंगी, और वहाँ से मेरी ट्रेन है बरेली, वहाँ से रिजर्वेशन करवा रखा है, 10:50 पे ट्रेन है मेरी। एसी वाले ट्रेन में, इनको तो एसी याद आ रही है, कहूँ दिल्ली से आया पीछे है ना। तो पापा ने पहले ही तेरा टिकट एसी में ही करवाया, टेंशन मत ले। तो यहाँ पे मेरी बस आएगी। तो गाइस ये आ गई हमारी रोड पे, चलो अगले जाओ जी, ले जाओ ये बहन जी के साथ। हाय करो। अरे सबसे थोड़ी ना करते है बेटा। बैठ गई दूंगी इधर आओ। देखो दीदी पालम आ गए, हम यहाँ पे उतरेंगे। से उतरो, रुक जा। है? क्या बेटा? इधर आओ जाओ। देखो ट्रेन 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 ट्रेन। आ क्लास मेरी क्लास मेरी। अच्छे से पकड़ लेना। तो गाइस देखो ऐसी हालत हो गई, बहुत गंदी वाली। सुबह 7 बजे के घर से निकले हुए हैं और अभी हम आ गए हमारी 27 नंबर गली में, तो बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और डुगो भी परेशान हो गई, ईशु भी बहुत परेशान हो गई। चल चलो की तुम्हारी नीलकंठ सोसाइटी आ गई। फिर बजा बेटा। बजा तू ऐसा कुछ और सो रहा है, चुप सुनो तेरी आ रहा है।
खाना परेशान है मैं तुझे का मारा तो बुलाया कौन परेशान है जाओ बड़ा बेटा मन काय बोला मन दादा तो इसको सुनने को सुन काय तो पता लगा जिंदगी बड़ी उल्टी आ गा पता उल्टी तो मिंटू गांव से आ चुकी है और ये है ना डुग्गू हमारा थक गया। तो गाइज आप देख सकते हो किस तरीके से बैठ गया, थक गया ये भी है ना डुग्गू, थक गया ना काय नू नू ना। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो टेंशन लेके आई थी कि घर पूरा गंदा मिलेगा, पता नहीं किचन कैसे मिलेगा, पर आपको अब देख रहे हो किचन पूरा साफ है, घर पूरा साफ है, मैं मुझे कोई काम नहीं मिला। आते ही बस नहाए धोए और ईशु अपने डांस क्लास में गई और ये नहा धोके अपने आराम करे क्योंकि इसको ना सुकून मिला है यहाँ के। तो हमारा ब्लॉग यही एंड करते हैं, अभी मैं चाय बना रही हूँ, अदरक ले रखे हाथ में, इसके पापा भी आने वाले हैं ऑफिस से और गाइस इंतजार करना नेक्स्ट ब्लॉग का। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।